दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। यहाँ पर सिर्फ सच्चाई भरी खबरें आपको दिखाते हैं और चैनल पर आप लोग पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कक्षा 3 से 5 साल तक के बच्चों को जो प्राइमरी पढ़ाई कराई जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पुष्टाहार के साथ शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए इन केंद्रों पर काम करने वाली कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का शैक्षिक डेटा तैयार किया जाएगा। अब बहुत सारी बहनें जिनको नहीं पता है शैक्षिक डेटा का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूँ कि शैक्षिक डेटा वह डेटा होता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं या फिर ग्रेजुएशन या अन्य डिग्री किए हैं, यही बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। शैक्षिक डेटा तैयार होने के बाद इनको ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स यानी कि BRC पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराने की योजना है। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उपयोग में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। यहाँ 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो हैं पढ़ाई करेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं लाइक करके, लाइक ज़रूर करिए। साथ ही इन केंद्रों पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग की निगरानी में गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इससे विभागीय कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त कार्य पड़ने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण देने का काम शिक्षक या अकादमिक रिसोर्स पर्सन करेंगे, इससे उन पर भी अतिरिक्त काम आएगा। BSA जो है इन्होंने जानकारी दी है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है BRC स्तर पर की जाएगी। कार्यकर्त्रियों का भी शैक्षिक डेटा जो है तैयार कराने का काम किया जाएगा। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि अभी शासन की ओर से भी स्पष्ट कार्ययोजना आने का इंतजार है। स्पष्ट कार्ययोजना व आदेश आने के बाद व्यवस्थाओं को अमल में लाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ होना चाहिए या फिर 2-4 दिन का अंतर होना चाहिए। अलीगढ़ से खबर निकल कर आ रही है कि अभी जो है शैक्षिक डेटा भी तैयार नहीं हुआ, यानी कि अभी सब प्रोसेस होगी। कई जनपदों की हमने खबर दिखाई है जिसमें आपको बताया है कि प्रशिक्षण हो चुका है और वीडियो भी हमने आपको दिखाई, फ़ोटो जो होती हैं वो भी हमने आपको दिखाई। अगर आपके यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है तो आप भी हमें अपनी फ़ोटो वीडियो भेज सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता रहे हैं 7398683128 7398683128, यानी कि 7398 68 31 28। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें जो भी फ़ोटो हो, वीडियो या भी जो भी कुछ आपकी खबरें हो आप हमें भेज सकते हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पड़ रही है कि बहुत सारे जनपद जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है या फिर चल रहा है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए कि आपके यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है या फिर अभी चल रहा है या आगे चलेगा। कमेंट में अपना बहुमूल्य मत रखिएगा क्योंकि आपका जो मत है, अन्य आंगनबाड़ी बहनें भी पढ़ती हैं तो उनको भी जागरूकता जो है जागरूक होती है। इसी के साथ ही बहुत ही अहम जानकारियाँ उनको भी मिलती है क्योंकि सभी बहनें अलग अलग जनपदों से होती हैं, अलग अलग राज्यों से होती हैं और जो हमारा चैनल है सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ जोड़े हुए है। इससे ये होता है कि एक राज्य वाली बहन या फिर एक जनपद वाली बहन दूसरे राज्य या जनपद की समस्याओं को या फिर वहाँ की खबरों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहा जाता है, कमेंट में आप अपना जो है बहुमूल्य मत जरूर रखा करें। दूसरी खबर आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर से बता रहे हैं। दरअसल स्कूल और आंगनबाड़ी में भोजन बनाकर सप्लाई कर रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश स्वयं सहायता समूह की संघ इकाई जो है जिला इकाई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तुत ज्ञापन में स्कूलों में MDM यानी कि मिड डे मील शुरू करवाने और आंगनबाड़ी पर प्रदाय किए जा रहे नाश्ते का पूरा भुगतान और रसोइयों के खातों में मानदेय की राशि डाले जाने की मांग की गई है। आपको बता दें प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह की जिलाध्यक्ष ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं एकत्रित होकर विधायक आवास पहुंची और विधायक को ज्ञापन देकर बताया कि 8 माह से लॉकडाउन के बाद समूह से जुड़ी महिलाओं का रोजगार ठप हो गया है, भूखों मरने की कगार पर पहुंच गई हैं। उधर आंगनबाड़ियों में होम डिलीवरी के रूप में रेडी टू ईट नाश्ता वितरण किया जा रहा है लेकिन इसमें भी भेदभाव का आरोप जो है इन्होंने लगाया है। अधिकारियों ने स्थानीय समूह से नाश्ता बंद कर एक ही समूह को ठेका प्रथा पर व्यवस्था दे दी जिसके चलते मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम कर रहे स्वयं सहायता समूह के खातों में रुपया 20% से 80% तक काट के डाला जा रहा है। तो वाकई में बड़े बड़े जो आरोप है लगाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर दुखद विषय है। जो वर्कर जो हैं सबसे कम वेतन या मानदेय में काम कर रहे हैं, उनका मानदेय भी समय पर नहीं दिया जाता है, और इसी के साथ ही दिया जाता है तो आधा अधूरा दिया जाता है, काट छाट कर दिया जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है। निश्चित तौर पर सरकार को कम से कम मानदेय वर्करों के बारे में सोचना चाहिए। सत्ता में जब आप आते हैं, जब मानदेय कर्मी जो हैं, आंगनबाड़ी कर्मी हो, रसोईया वर्कर हो या फिर आशा वर्कर हो, वोट देते हैं तभी जो सत्ता में आप आते हैं, अन्यथा की स्थिति में सत्ता में ऐसे नहीं आ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है इनकी संख्या इतनी जो है अधिक नहीं है, तो फिर चुनाव के समय आंगनबाड़ियों को परमानेंट करने की बातें क्यों की जाती है, बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि आंगनबाड़ियों का वोट प्रतिशत को देखते हुए पार्टियां कोई भी हो, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे, वेतन बढ़ा देंगे, राज्य कर्मचारी कर देंगे। आपको मालूम होगा कि बिहार में चुनाव हुआ था और राजद पार्टी ने भी आंगनबाड़ियों को परमानेंट करने का वादा किया था। तो ये वादे जो हैं हर पार्टियां करती है चुनाव से पहले, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कोई भी पार्टी आंगनबाड़ी बहनों के हित में काम करती हुई नहीं दिख रही है। बस इतना है कि वेतन भुगतान में थोड़ा सा अंतर देखा जा रहा है, वो भी राज्य स्तरीय सरकार की ओर से। मध्य प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है वेतन, ये जो है इतना अंतर देखा जा रहा है। लेकिन स्थिति कहीं पर भी वेतन भुगतान की अच्छी नहीं कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक वेतन नहीं आया और नया साल आने को करीब है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं। 18,000 रुपये की मांग उनकी यूनियन करते हैं, लेकिन 18,000 रुपये छोड़िए, 5,500 रुपये में जो काम कर रही हैं बहनें, 5,500 रुपये तक उन्हें नसीब नहीं हो रहे हैं समय पर। अब ऐसे में पुराना साल जो है 2020 जाने वाला है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या 2020 में आंगनबाड़ी बहनों को उनके 5,500 रुपये मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार भले ही 3 से 4 माह आंगनबाड़ी बहनों के वेतन का हो जाए, मानदेय का हो जाए, लेकिन कभी भी 1 माह से ज़्यादा का वेतन जो है नहीं डालती है। तो वाकई में ये बहुत दुख का विषय है, और इसी कारण से हम आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को उठाते हैं, और कुछ ऐसे वर्कर जो गलत काम करते हैं उनकी जो है सच्चाई भी हम दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जो बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समय वादा किया था कि हम 1,500 रुपये अधिकतम देंगे, यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें अच्छा काम करेंगी उनको ये वेतन में जो उनका 5,500 रुपये मिलता है उसमें ऐड करके दिया जाएगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ व्यतीत होता चला गया और आंगनबाड़ी बहनों की कोई भी समस्या को नहीं सुना गया, और अब सरकार जो है मानदेय तक के लाले पड़वा रही है। आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी आक्रोशित हैं, अपनी जो है आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको रिटायर भी कर दिया गया, वो घर पर बैठी हैं, उनको तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे हमारे भाई और बहन कमेंट कर रहे थे कि रिटायरमेंट का मुद्दा गरमाना चाहिए। निश्चित तौर पर रिटायरमेंट का मुद्दा गरमाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपना मनमाना रवैया अपनाया है, और इसी कारण से जो है आंगनबाड़ी बहनें आक्रोशित हैं। हमारी बात से अगर आप सहमत हैं तो इस खबर को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो विशेष अनुरोध रहेगा सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें। अगर आप घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको कोई भी खबर जो है नहीं मिलेगी। हम आपसे मिलते हैं नई अपडेट में, कोई भी अपडेट होगी, कोई भी खबर होगी आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। साथ ही आप अगर और खबरें पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in इस पर जो है, इस वेबसाइट पर विजिट करें, आप तमाम खबरें जो है पढ़ सकते हैं। नमस्कार।